ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਪੋਲੀਓ ਸਰ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ, ਦੋਨੋਂ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। मम्मी पापा गुजर गए तो मेरा कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, ना मेरा भाई है ना बहन है, मैं अकेला हूँ। दो दो बच्चे हैं मेरे, माँ इनकी पूरी हो गई है। बच्चे को मैं रेडी पे बिठा के अपना झोले में दूध रख के अपना पालता था, दूध ऊपर का सीसी वाला दूध पिला के पाला है। सर मैं डेली आता हूँ, चाहे बारिश हो गए, चाहे जो मर्जी हो, आंधी तूफान जो मर्जी आए, काम तो करना। अगर मैं नहीं आऊँगा तो फिर बच्चों का रोटी पानी कहाँ से चलाऊँगा? ये रब जो करता है ना अच्छे ही करता है, जो भी करता है चंगे के लिए करता है। जैसा कर्म करके आए पीछे पास्ट लाइफ के, तो पास्ट लाइफ का कर्म इस लाइफ में वो नहीं पड़ेगा, उसमें रब का क्या कसूर है? रब को रब नु की कहना, रब नु की दोष देना? ਕਰੀ ਅਜੇ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰੱਬਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੂੰ? ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ? ਬਣ ਜਾਂਦਾ 150 ਵੀ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ 200 ਵੀ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ 250 ਵੀ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਰਾਖੇ ਵੋ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਕਭੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ। आज ये लोग चोरियां कर रहे हैं, चोरियां कर करके लोगों को, गरीबों को चोरियां कर रहे हैं, तगड़े नू मारते हैं, माड़े नू मारते हैं, तो ये आगे कर्म लेके जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो रब ने देना ही आगे जाके। आगे मुश्किलें आज झेलेंगे तो कल आगे जीत हमारी होगी। आज मैं मुश्किलें झेल रहा हूँ तो कल को मेरे बच्चे अच्छे बन जाए, क्या पता है रब ने क्या लिखा है मेरी किस्मत में। अगर हौसला हो तो बड़ा कुछ कर सकता है। लाते ही तो हैंडीकैप है, मेरा दिमाग तो नहीं हैंडीकैप। सासी है दोस्तों, मैं हाँ तुम्हारा दोस्त हरजीत गरेवाल। अज तक खबर दिखाने जा रहे अमृतसर की, जिते कि एक नौजवान पोलियो होया वा, हैंडीकैप है, पर फिर भी अपने परिवार का पेट जिहड़ा वो मेहनत करके पा लिया। तुम तस्वीरों में देख रहे हो किस तरह जिहड़ा नौजवान आ, छोटे छोटे बच्चे जिहड़े अपने पिता के नाल रेहड़ी नूं धक्का लगा के जिहड़ा मेहनत करके खिडौने वेच रहे हैं। गलबात करांगे तस्वीर के नाल ही। वीर जी की नाम तुहाडा? अजय। अजय जी, असीं देखिया भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तुहाडे नाल रेहड़ी नूं धक्का लगा रहे हैं, तुहानूं होया की आ? पोलियो सर, हैंडीकैप है, दोनों लत्त खराब है मेरी, इस करके मैं अपना बच्चे पालने के वास्ते खिडौने वेच के अपना गुजारा करता हूँ। मैंने सोचा जी जी बचपन तो तुहानूं पोलियो सी जां तुहानूं बाद च होया? बाद च होया, बचपन से, मतलब छोटा था ना, 5-6 साल का था जब छोटी उम्र में हुआ था। इलाज करवाने की कितनी परिवार ने कितना इलाज कराया था? मेरे मम्मी पापा थे जब मेरा इलाज खूब कराया, तो मम्मी पापा गुजर गए तो मेरा कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, ना मेरा भाई है ना बहन है, मैं अकेला हूँ। दो दो बच्चे हैं मेरे, माँ इनकी पूरी हो गई है। पर अजय जी गल करिए, माँ तो बिना जो छोटे छोटे बच्चे ने पालने बड़े औखे ने, एक तो ठीक नहीं है, तो खुद तुम्हें जोड़ा पोलियो होया वा, हैंडीकैप जी, किस तरह फिर बच्चों को पालिया? बच्चे को मैं रेडी पे बिठा के अपना झोले में दूध रख के अपना पालता था, दूध ऊपर का सीसी वाला दूध पिला के पाला है। किन्ने साल की उम्र सी जो तुहाड़ी जिहड़े बच्चे, किन्ने साल दे जो तुहाड़ी जिहड़ी आ धर्मपत्नी इस दुनिया चली गई? 1 साल का था मेरा छोटा मुंडा, बड़ा मुंडा 2-2.5 साल का, तो नानकी नानकी नानी ने पाला है, नानके ही। ते हुण बच्चे किन्ने उम्र दे हो गए ने? ते बच्चा मेरा ये 6 साल का हो गया, हो गया 7.5 साल का। बच्चे हुण 6 साल दे हो गए ने, कभी पुछदे ने भी तुहाडी जिहड़ी माता जी कित्थे ने, किस तरह दी सी, की कित्थे गई आ, कभी बच्चे पुछदे इस तरह? नहीं, अब नहीं पूछते, वो पहले ही पूछते थे, अब नहीं पूछते, अब इन्हें पता आएगा कि माँ है ही नहीं हमारी। तो मैंने ये सोचा जी इन्नी गर्मी तुम लैके जा रहे हो, डेली आते जी कि कभी छुट्टी भी जो बरसात वगैरह जो जो मौसम खराब होंगे वा उस नहीं आते? सर मैं डेली आता हूँ, चाहे बारिश हो, चाहे जो मर्जी हो, आंधी तूफान जो मर्जी आए, काम तो करना। अगर मैं नहीं आऊँगा तो फिर बच्चों का रोटी पानी कहाँ से चलाऊँगा मैं? ਅਜੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵਾਰੀ ਵਿਸੇ ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਰ 12-13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਅੱਜ? ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਥੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਚਲਾਤਾ ਹਾਂ ਰੇਡੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੇਡੀ ਚਲਾਤਾ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
जिहड़े लोग असीं देखदे आं वी धार्मिक स्थान ते जिहड़े हैंडीकैप हुंदे ने जां जिहड़े अपने आप नूं कहिंदे सी असीं हैंडीकैप आ, रब ने साडे नाल की कीता, रब नाल बहुत गिला शिकवा करदे ने, रब नूं ताने मेणे मारदे ने वी रब्बा तूं साडी जिंदगी खराब कर दित्ती आ, पर तुसीं वी हैंडीकैप जे, पर तुहाडी सोच जिहड़ी आ उह हैंडीकैप नहीं आ, तुसीं मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल लिओ, छोटे छोटे बच्चे नाल जिहड़े तुहाडे मेहनत कर रहे हो, की कहना चाहोगे अजिहे लोकां नूं? सर वो लोग उनकी सोच है, वो मेरी सोच नहीं है कि रब जो करता है ना अच्छा ही करता है, जो भी करता है चंगे के लिए करता है, और उसमें क्या है, जैसा कर्म करके आए पीछे पास्ट लाइफ के, तो पास्ट लाइफ का कर्म इस लाइफ में वो नहीं पड़ेगा, उसमें रब का क्या कसूर है, रब को रब नु की कहना, रब नु की दोष देना, रब का कोई कसूर नहीं है। रब तो कहता है मेरे साथ रहे, मेरे साथ भजन पाठ पूजा पाठ करेगा, वो तो अच्छे कर्म करेगा तो मैं दूंगा, भूखा थोड़ा सुलाता है रब किसी को, मेहनत करेगा तो मेहनत करने की हर किसी को शक्ति तो नहीं, लोग ही चाहते हैं कि घर बैठे बैठे सब कुछ आ जाए, पर रब तो मेहनत कराना चाहता है, तो रब मेहनत करोगे तो हर किसी ने रोटी देने के लिए तैयार है वो। पर गल करिए अजय जी, देखो मतलब छोटे छोटे बच्चे से जोड़े बच्चे की माँ जी दुनिया चल जाती है, उतो तुम हैंडीकैप जो तुम पोलियो होया वा, कहीं तुम्हें नहीं रब ने कहीं नाराजगी की रबा कि दुख तुम दे रहे हो? मैं नहीं कहूँगा, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ मुझसे गलती हुई है, मैं जानता हूँ ना, तो मैं क्यों रब न दोष दूँ, रब क्या बेचारेगा क्या दोष है, इसमें रब का कोई दोष नहीं होता। पर गल करिए जी, जिहड़े लोग रब नाल बहुत शिकवा करते हैं, रब नूं बहुत शिकायतां करते हैं, की कहना चाहोगे जिहे लोकां नूं? सर उनकी सोच है, उनकी उन्हें रब ने दिमाग ही उनको इतना दिया है, आगे का पता ही नहीं क्या 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 होने वाला है, क्या करके हम आए, उन्होंने पता ही नहीं है कुछ, वो तो अभी का देख रहे हैं, पीछे का नहीं देखा उन्हें। आज ये लोग चोरियाँ कर रहे हैं, चोरियाँ कर करके लोगों ने गरीबों ने चोरियाँ कर रहे हैं, तगड़े नु मारते हैं, माड़े नु भी मारते हैं, तो ये आगे कर्म लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो रब ने देना ही आगे जाके, हैं इस जन्म में नहीं देगा तो आगे देगा, देखना तो हैगा ही, कुछ ना कुछ तो देगा। तो गल करिए अजय जी, शामी कितने बजे आउंदे तो रात कितने बजे तक तुसीं जिहड़ा काम करदे हो बच्चे दे नाल? सर मैं 5 बजे आता हूँ, 5 बजे लेकर 10 बजे तक रहिंदे हां। मैंने इस तो भी दिहाड़ी किन्नी बन जाती है, खर्चा पानी हो जाता गुजारे जोगा? बन जाता है, 150 भी बन जाए, 200 भी बन जाए, 250 भी बन जाता है, जो रब की मर्जी है उसकी मर्जी से जो बन जाता है उसमें मैं खुश रहता हूँ। लगता नहीं भी 150-200 के नाल परिवार का बच्चों का गुजारा, दुध का खर्चा हो, रोशन राशन पानी की लगता है, इस तरह गुजारा हो जाता परिवार? अरे गल तो ये है, रब एक दे ना तो आदि में गुजारा करना चाहिए इंसान को, वो आज एक देगा तो कल 2 भी दे सकता है, उसकी मर्जी है, ये तो जैसे राखे वो रहना चाहिए, पर जिंदगी से कभी हार नहीं माननी, जो ऐसी जिंदगी है खुश होकर जीना चाहिए हर बंदे नूं, मैं तो यही चाहता हूँ। तुसीं देख रहे हो नौजवान जिहड़ा कि अजे कमा रहा पोलियो होया वा, पर इसकी सोच जिहड़ी पोलियो नहीं होया सोच नूं, तुसीं देख रहे हो नौजवान में जज्बा जनून आ, कह रहा भी मेहनत करके जिहड़ा खाना चाहिए वा, ना कि भीख मंग के, खास करके जिहड़ा असीं देखदे लोग जिहड़े लोग रब नूं गिला शिकवा करदे ने, रब नूं लोग मेहने देंदे ने, ताने मेहने देंदे ने भी रब्बा तूं साडी जिंदगी खराब करती, साडे नाल की करता, असीं देखदे हां भी जेकर किसी नूं थोड़ी जिही गरीबी आ जाती आ जां कितें दुख तकलीफ आ जांदा तो उह ना कितें कहिंदे अपने आप नूं जिहड़ा रब नूं ताने मेहने देने जिहड़ा शुरू कर दिंदा वा, पर इस नौजवान तुसीं देख रहे हो एक तो परमात्मा ने इसकी जिहड़ी आ धर्म पत्नी जिहड़ी आ इस दुनिया तों चली गई आ, अते नाल इस नौजवान जिहड़ा पोलियो होया वा, खुद जिहड़ा वा माँ का प्यार भी अते बाप का प्यार भी दे रहा, बच्चे पाल रहा वा, पर फिर भी जिस चेहरे ते कोई गिला शिकवा नहीं है रब दे नाल, अते कह रहा भी जो करता परमात्मा ठीक करता वा, तो मैंने दसो भी अजय जी बच्चे फिर किन्नी क मुश्किलों के नाल पाले दोवें? अब मुश्किलें तो सर आती हैं, पर मुश्किलों से मैं घबराता नहीं, जितनी मुश्किलें आए कब मैं ये कहता हूँ, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, किसी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, आगे मुश्किलें आज झेलेंगे तो कल आगे जीत हमारी होगी, आज मैं मुश्किलें झेल रहा हूँ तो कल को मेरे बच्चे अच्छे बन जाएँ, क्या पता है रब ने क्या लिखा है मेरी किस्मत में, अगर हौसला हो तो बड़ा कुछ कर सकता है, लाते ही तो हैंडीकैप है मेरा, दिमाग तो नहीं है हैंडीकैप, बिल्कुल लाते ही तो है मेरी दिमाग तो मेरा, मैं दिमाग से कुछ भी कर सकता हूँ, जो मर्जी कर सकता हूँ, कल को मुँह पर 4 पैसे कटे जाए मैं दुकान डाल के काम आगे और बढ़ा सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, दिमाग तो दिया है रब ने मुझे, लाते ही तो छीनी है, हैं तो एक चीज़ छीन ली तो फिर आगे भी एक चीज़ अगर एक रास्ता बंद करता है तो कई रास्ते खोल भी देता है, रब को क्या दोष देना। जी गल करिए बच्चों की, बच्चे हम कि स्कूल पढ़ते हैं, किन्नी क्लास पढ़ते हैं, कि सोचा की है बच्चों वे होकर बना? सर मेरे स्कूल मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे सरकारी स्कूल तो मैंने पाए, मैं ये नहीं कहूँगा, आगे चल के हो सकता है मैं प्राइवेट से दाखिला करा सकूँ, ये रब की मर्जी है, मैं कुछ नहीं। तो बच्चों सोचा वा कि वे हो गए हर कहीं माँ बाप सोचा होता भी की बना की अफसर बना कि रखना वा सोचा? सर मैंने देखो
इसमें सोचने वाली कोई गल नहीं होती, जो करता है रब ने करना है। आगे जितना बच्चे पढ़ेंगे तो उनका भविष्य आगे वो लिखने वाला होता है। इंसान कोई कुछ नहीं करता है, मैं इंसानों मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन कराने वाला कराने करता रहता है, वही होता है। जो आपकी किस्मत में आप मीडिया में लिखे थे, आपको मीडिया में डाल दिया, आगे क्या पता है आपको क्या बनाने वाला है, आप पता है आपको नहीं पता ना। तो ऐसे ही मैं जो सब मैंने अपनी ज़िंदगी उसके ऊपर छोड़ी है, उसका नाम लेता हूँ और अपना खुश रहता हूँ, मुझे कोई किसी से सिका गलवा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तुम देखिए नौजवान जरा कि जिंदगी तो जो लोग हार जाते हैं अपने आप में हिम्मत हार जाते हैं, पर उन्होंने लोगों वास्ते जो नौजवान है अजय कुमार मिसाल बन के सामने आया वा, अज भी हिम्मत है, अज भी जज्बा जनून है, जिस तरह की भी इसकी जिंदगी है, चाहे वह हैंडीकैप है, चाहे उस पोलियो होया वा, पर फिर भी अपनी जिंदगी जो खुश है, कह रहा वा उसको परमात्मा देना कोई गुस्सा गिला नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, जो रब ने दिता वा मंजूर आ, जो रब ने किया उसू मंजू खुश आ। असं देखते हैं कि उसकी जी धर्म पत्नी जी चल गई आ, छोटे छोटे बच्चे छड़ गए, पर फिर भी जी जिंदगी दौड़ में अज भी जरा मेहनत कर रहा वा, ना कि भीख मंग के अपने बच्चों का पेट पाल लिया, अज भी मेहनत करके जो अपने परिवार का पेट पाल लिया वा, अति कह रहा भी जो परमात्मा करता ठीक करता वा। इस करके साड़ी भी दर्शकों को अपील आ, कभी भी जिंदगी गरीबी आए, बीमारी आए, जां किसी कदी मुसीबत आए, हौसला नहीं छड़ना चाहिए, खास करके रब ना कभी गिले शिकवे नहीं करना चाहिए।